बस मास्टर हम तो गए मास्टर हम तो गए। हाँ भाई पब्लिक मजे आ रहे हैं, रुको अभी थोड़ी देर में पूछते हैं। तो हाल ही में एक दिल दहलाने वाली खबर आई जिसने स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग से सुकून और पैर तले जमीन निकाल दी। हालांकि अम्मा अब्बा की जिंदगी में चैन और सुकून की वापसी आ गई। यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी हैं, वो कॉलेजेस हैं, वो सारे जो हैं, वो 1 फरवरी को खोल दिए जाएंगे। तो हाँ भाई पब्लिक मजे अब नहीं आ रहे होंगे और आएंगे भी कैसे? मैम आज ऑनलाइन क्लास हो रही है, अपना घर ही दिखा दें थोड़ा। मतलब देख रहे हो मैम का घर देखने वाला कीड़ा किसको होता है। ये मजे नहीं आएंगे अब क्योंकि तालीमी इधारे जो खुल गए हैं। अब कॉलेज और 9-10 के बच्चे तो पहले ही स्कूल्स और कॉलेजेस जाना शुरू हो गए थे। यूनी के छोटे बच्चे और नर्सरी से 8 क्लास तक के बुड्ढे अब से स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज का रुख करेंगे। और फाइनली अब मैं ये कह सकता हूँ, अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। अब ऑनलाइन क्लासेस में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, पढ़ाई तो नहीं हुई है। ओसामा बिन लादेन, लल्लू की टपरी, मैं खलीफा, प्लीज रीजॉइन। लल्लू की टापरी वाले से लेके ओसामा बिन लादेन और माय खलीफा भी ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बने हैं। मतलब इतने बड़े बड़े लोग जब क्लासेस में बैठे हैं तो पढ़ाई कैसे होगी। चले गए वो दिन जब ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करके सोजाया करते थे। बैकग्राउंड में रिंकिया के पापा इस जैसे कई और गाने लगा के पूरी क्लास को शुगर लगाया करते थे। और क्लास के बाद मिलने वाले असाइनमेंट में Ctrl+Ctrl+V करके सबमिट करवाते थे। अब तो आराम और सुकून वाले जिंदगी को टाटा बाय बाय बोल के अब सुबह सुबह असेंबली में ख्वार हुआ जाएगा और टीचर्स की जबरदस्ती की गुंडागर्दियां बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नेल्स क्यों बड़े हैं, टाई क्यों नीचे है, बाल क्यों नहीं कटवाए और ये शर्ट बाहर क्या कर रही है, अंदर करो। अबे भाई पढ़ाई चल रही है या मॉडलिंग चल रही है? अबे वो वाली आवाम जो ऑनलाइन क्लास में कुत्ते बिल्लियों की आवाज निकालती थी, अब से आपको क्लास के बाहर मुर्गी बनी हुई नजर आएगी और टीचर्स भी अब यही कहते नजर आएंगे, अब खेलने का नहीं बेलने का वक्त है। चुन चुन के बदले लिए जाएंगे और अब टारगेट किलिंग सिर्फ रोड पे नहीं स्कूल्स और कॉलेजेस में भी नजर आएगी। वैसे ज्यादा कुछ बदला नहीं है, पहले घर में सोते हुए अटेंडेंस लगवाते थे, अब क्लास में सोते हुए अटेंडेंस लगवाएंगे, सोना इज कंपलसरी। और सुना है कि 9 से 12 तक के एग्जाम्स में सिलेबस लिमिटेड कर दिया गया है और 50% MCQs आएंगे। मतलब प्लेट में रख के हलवा मिल रहा है, पिछले साल बिना एग्जाम्स दिए क्लियर हो गए, ये साल हलवा। अब तो आग लगा देनी चाहिए एग्जाम्स में। ऑनलाइन क्लासेस में जितनी ऊपर GPA उठाई है अब वक्त आ गया है उसे सूद समेत वापस गिराने का। शुक्र है मेरे एग्जाम्स ऑनलाइन ही हो गए, वरना काफी लोग ऐसे भी हैं जिनके ऑन कैंपस एग्जाम्स हो रहे हैं। सबसे बड़ी और जीती जागती मिसाल ये मेरे साथ बैठा हुआ मेरा बॉय है। हाँ बेटा क्या हाल है फिर? अब ऑन कैंपस एग्जाम्स के खिलाफ प्रोटेस्ट तो पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, मगर बच्चों की कौन सुनता है। हमारी सोसाइटी में बच्चों को ऐसे कटाया जाता है जैसे कबाब में हड्डी। और तो और जो बच्चे प्रोटेस्ट में नजरों में आए उनको डराया और धमकाया जा रहा है, माफिया है भाई ये फुल। खैर अब क्या करेंगे, ऑन कैंपस एग्जाम्स ही देने पड़ेंगे। वैसे बॉयज का भी अपना ही स्वैग है, जैसे ये एक पिक्चर में वाजे नजर आ रहा है कि चाहे इंग्लिश का एग्जाम हो या मैथ्स का, स्वैग इज परमानेंट, फिर चाहे लसन ही क्यों ना लगे हों। खैर अब 1 साल की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारों की वापसी हो रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस को याद में रखते हुए ये जरूर सोचे कि स्कूल यूनिक कॉलेज हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, पढ़ाई से लेके दोस्ती यारी और बहुत लम्हे जो पूरी जिंदगी के लिए यादगार बन जाते हैं। तो इन लम्हों में खुश रहें, बाकी SOPs का जरूर ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। हैकर बॉयज आउट।